हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है पीयूष गुप्ता। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था अपने चैनल पे, वो था अबाउट वेपर प्रेशर, जहाँ पर आपको वेपर प्रेशर थोड़ा बहुत समझाया था और उसके फैक्टर थोड़े बहुत बताए थे। वेपर प्रेशर एक्चुअल में इस्तेमाल होता है हमारे पास राउल्स लॉ में, जैसे पहले हेनरीज लॉ पढ़ाया था, वहाँ गैस का प्रेशर हम देख रहे थे और अब वेपर प्रेशर आपको पढ़ाया। वेपर प्रेशर इस्तेमाल होगा आज के लेक्चर में, जो मैंने आपको राउल्स लॉ आज के लेक्चर में कराना है उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ में अभी एक छोटा सा डिफरेंस है। हेनरीज लॉ हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, जहां पर सॉल्यूट होता है गैस और सॉल्वेंट होता है लिक्विड। लेकिन राउल्स लॉ हम जो इस्तेमाल करेंगे फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। जैसे एग्जांपल इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राउल्स लॉ को, ठीक है। तो चलिए राउल्स लॉ को थोड़ा जान लेते हैं क्या है। राउल्स लॉ जानने के लिए एक छोटा सा एक सिस्टम बनाते हैं। ये मेरे पास कोई वॉलेटाइल कंपोनेंट, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। एक्चुअल में इसे मान लेते हैं प्योर वॉलेटाइल कंपोनेंट। प्योर वॉलेटाइल मतलब इसके साथ कुछ और चीज मिक्स नहीं है। जाहिर सी बात है, जब वॉलेटाइल है तो इसके वेपर्स भी बनेंगे। ये इसके वेपर्स मान लिए मैंने, ये इसके वेपर्स हो गए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही मैंने कोई दूसरा एक और कंपोनेंट मान रहे हैं, ये भी प्योर वॉलेटाइल कंपोनेंट है। और इसका नाम मैंने दे दिया बी, ठीक है। तो मैंने दो वॉलेटाइल कंपोनेंट माने, एक माना ए, एक माना बी। और जब ये वोलेटाइल कंपोनेंट जो है, इसके वेपर्स को मैंने ऐसा दिखा दिया, ये इसके वेपर्स हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने दोनों को मिक्स किया। जब मैं वॉलेटाइल कंपोनेंट ए और वॉलेटाइल कंपोनेंट बी को मिक्स करूंगा, जब मैं दो अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स कर रहा हूं, तो बनेगा क्या, सॉल्यूशन बनेगा। तो एक बीकर में मैंने सॉल्यूशन ले लिया, वो मैंने बनाया बाय मिक्सिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट ए प्लस वॉलेटाइल कंपोनेंट बी। चलिए इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। इसमें कंपोनेंट ए का वेपर भी प्रेजेंट होगा, कंपोनेंट बी का वेपर भी प्रेजेंट होगा। देखिए ए का वेपर भी प्रेजेंट है, बी का वेपर भी प्रेजेंट है, ये सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन। कैसे बना, बाय मिक्सिंग कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब एक बात देखिए, प्योर कंपोनेंट ए के वेपर जो है कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे। इसका वेपर प्रेशर मान लिया पी ए नॉट, इसका वेपर प्रेशर मान लिया पी बी नॉट। नॉट क्या दिखाता है, या नॉट दिखाता है कि मैं प्योर स्टेट की बात कर रहा हूं। नॉट क्या दिखाता है, नॉट मतलब दैट कि मैं प्योर स्टेट की बात कर रहा हूं। पी ए नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, पी बी हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉलेटाइल कंपोनेंट बी, ठीक है। अब एक बात देखिए, यहां पर सॉल्यूशन में दोनों तरह के वेपर्स हैं, ए का भी वेपर है, बी का भी वेपर है।
तो मान लेते हैं जो ए का वेपर प्रेशर लगा रहे हैं वो मान लेते हैं पी ए। इस कंटेनर के अंदर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किस किस की वजह से होगा? पहला वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए और वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। तो इस कंटेनर में जो टोटल वेपर प्रेशर निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ बी। ये ठीक है भाई, उसका तो मैंने पी ए नॉट मान लिया, प्योर कंपोनेंट है, इसका पी बी नॉट मान लिया। अब पूरे सॉल्यूशन में भी तो कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। ये तो निकलेगा टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर केवल दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए और बी। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं हमने क्या क्या माना है। पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉलेटाइल कंपोनेंट ए, वॉलेटाइल कंपोनेंट ए, ठीक है। पी बी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वॉलेटाइल कंपोनेंट बी। एक ये आ गया वेपर प्रेशर पी ए नॉट, एक ये आ गया वेपर प्रेशर पी बी नॉट। व्हाट इज पी ए, व्हाट इज पी ए? अच्छा एक बात देखो ना, इस सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर भी प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर बी का वेपर भी प्रेजेंट है। ए का जो कंपोनेंट है उसकी वेपर भी कुछ प्रेशर लगाएगी और बी कंपोनेंट जो है उसकी वेपर भी कुछ प्रेशर लगाएगी। भाई दोनों की दोनों वेपर प्रेशर लगा रही है, ऐसे केस में मैं पी ए क्या बोलूंगा? व्हाट इज पी ए? पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए मतलब मैं ए कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। एंड व्हाट इज पी बी? पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। बस यह पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। ये कहां पर है? ये कहां पर है? ये है इन प्योर स्टेट, जब ए और बी प्योर स्टेट में होते हैं, जब दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में दोनों के वेपर प्रेजेंट है, ए का वेपर भी है, बी के वेपर भी है। अब जो टोटल प्रेशर होगा वो ए के वेपर की वजह से भी होगा और बी के वेपर की वजह से भी होगा। तो पी ए मैंने क्या मान लिया? पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, और पी बी क्या मान लिया? पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। और ये मैं कहां पर ले रहा हूं? इन द सॉल्यूशन। किस में ले रहा हूं? इन द सॉल्यूशन। तो ये एक राउल्स लॉ की स्टार्टिंग है और ये सब टर्म्स हम लोग राउल्स लॉ में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले समझा दी कि ये टर्म्स हम लोग राउल्स लॉ में आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं राउल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या डेफिनेशन है इसकी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल लिक्विड्स, जैसे भी बताया एक सॉल्यूशन था जिसमें दोनों लिक्विड कैसे थे? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वर्ड हमने आपको पहले बताया हुआ है, जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बहुत इजीली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, ईच कॉम्पोनेंट
is directly proportional to its vapor pressure, to its mole fraction, ये लॉ क्या कहता है, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो अभी हमने बीकर बनाया हुआ था, इस बीकर में हमने क्या देखा, एक सॉल्यूशन था जिसमें ए और बी दोनों के वेपर्स प्रेजेंट थे, ठीक, और हमने पी ए माना था पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, और पी बी माना था पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। तो ये लॉ यही कहता है दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब है पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। Partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction, and partial vapor pressure of component B is again directly proportional to its mole fraction. ठीक है, चलिए। तो P A directly proportional to X A, अब ये जब proportionality sign हटता है तो एक constant लगता है, then P A is equals to P A not X A। ये देखिए, यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा वो पहले आपको बता चुका हूं, पी ए नॉट, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट ए। तो वैसे ही जब यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, लीजिए ये आ गया। तो राउल्स लॉ के हिसाब से किसी भी वोलेटाइल कॉम्पोनेंट के सोल्यूशन में, इन द सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कॉम्पोनेंट्स, आप किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, पी ए नॉट इनटू एक्स ए, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी कैसे कैलकुलेट करोगे, पी बी नॉट इनटू एक्स बी। दिस इज अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जो कहता है इन अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ध्यान रखें ये जो लॉ है ये मैं सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ, ये मत समझना है कि प्योर सॉल्वेंट के लिए बात कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जो राउल्स लॉ ने जो ये लॉ है ये सॉल्यूशन के लिए बोला मैंने, देखिए तभी तो पार्शियल प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर भी मैं सॉल्यूशन का ही ले रहा हूँ। कैसे निकालोगे, पी ए नॉट इनटू एक्स ए, और पी बी कैसे निकालेंगे हम, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो ये आ गया मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला जो फाइंड करेगा किसी भी सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पी ए इज इक्वल टू दिस, पी बी इज इक्वल टू दिस। अच्छा ये तो आ गया कि किसी भी एक कंटेनर के अंदर जहाँ सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड्स का, ए का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे और बी का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, ये तो ठीक है सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम आप बात करें कि उस कंटेनर में टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, जैसे अभी हमने इससे पहले डायग्राम एक छोटा सा सिस्टम बनाया था, तो उस सिस्टम के अंदर टोटल वेपर प्रेशर कितना निकलेगा, भैया पी ए तो मिल गया मुझे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए तो मिल गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी भी मिल गया, लेकिन अब उस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कहाँ से लाऊं, टोटल प्रेशर कैसे मिलेगा, भाई साहब टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी। व्हाट इज ए, पी टी इज इक्वल्स टू ए क्या है, पी ए नॉट एक्स ए, एंड व्हाट इज पी बी, दैट इज पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने आपको पहले अपने मोल फ्रैक्शन के लेक्चर में बताया था दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू वन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्स ए को निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से एक्स ए को निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, देखिए 1 माइनस एक्स बी ये निकलेगा। तो चलिए
इसको यहां पुट कर देते हैं, देन व्हाट इज पीटी, टोटल प्रेशर क्या निकलेगा, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए की जगह पुट किया, प्लस पी बी नॉट एक्स बी, देन टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम कुछ चीज कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म से हम एक्स बी कॉमन ले सकते हैं, देन टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस, इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं और एक्स बी करेंगे कॉमन, तो क्या बच गया पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये आ गया हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर। उस सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर का कितना होगा या टोटल वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा वो ये है। तो जब आप दो वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाते हैं जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, और उस पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला यह है पी ए नॉट माइनस एक्स बी ब्रैकेट पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। व्हाट इज नॉट, पी ए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट ए, पी बी नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट बी, एंड व्हाट इज एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, एक्स बी की वैल्यू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर। इसको एक तरह से और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैंने इस रिलेशन को ऐसे ओपन किया, हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए, इसी को इधर लेकर के चलते हैं, पी टी इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यहां पर मैंने जैसे एक्स ए का वैल्यू निकाला, हम एक्स बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लाइक हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन। तो यहां पर अगर मैं एक्स बी का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, वन माइनस एक्स ए। हम लोग इस टर्म में भी निकाल सकते हैं, चलिए ऐसा भी करके देख लेते हैं, कैसे भी निकाल सकते हो। पहले मैंने यहां पर वैल्यू पुट करके देखी, अब मैं यहां पर पुट करके देखता हूं क्या होता है, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, पी बी नॉट, नाउ एक्स बी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, वन माइनस एक्स ए, वन माइनस एक्स ए की आउटपुट, चलिए व्हाट इज पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस एक्स माइनस पी बी नॉट एक्स ए। ओके, पी बी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, एक्स ए को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो निकाल देते हैं, चलिए पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस माइनस, इन दोनों में से निकालेंगे, माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, ये लीजिए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, पी टी इक्वल्स टू पी बी नॉट को आगे लिख लीजिए प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ऐसे भी निकाला जा सकता है, तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो बात एक ही है, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर एक ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले तो दोनों सेम है, बस खोलने का तरीका अलग है। यहाँ पर मैंने एक्स ए की वैल्यू डाल के ओपन किया था फॉर्मूले को, और हमने यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू डाल के ओपन किया है फॉर्मूले को, तो ये निकल गया टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो अभी हमने बनाया था, जिस सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल कंपोनेंट डाले थे, एक ए डाला था एक बी डाला था, दोनों फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, ये टर्म्स तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं बस, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी और यहाँ पर हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन को एक्स से दिखाते हैं इसीलिए हमने क्या लिया एक्स ए एंड एक्स बी, ठीक।
तो हमने जनरली तीन इक्वेशन में यहाँ पर बनाई, एक ये बनाई, ये और ये सिमिलर है, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे, बोथ आर सेम। तो ये आ गया राउल्स लॉ का एक छोटा सा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का मेन इस्तेमाल, मेन यूज आपको पता लगेगा न्यूमेरिकल्स में, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझ आएगा ये फॉर्मूला यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब जरा देख लेते हैं हमने कौन कौन सी इक्वेशंस बनाई। अभी अभी बनाई पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, एक तो ये है, ठीक है। और पी ए नॉट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए अभी इससे पहले बनाई थी एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, बस ये तीन चीज हमने बनाई है। अब एक काम करते हैं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, ऐसा मानने का भी रीज़न है। हमारी बुक्स में एक ग्राफ दिया जाता है जो वैसे समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं, तो इस ग्राफ को समझेंगे क्योंकि हमारी बुक में डायरेक्ट बनाया हुआ है तो उसमें पता नहीं लगता है ग्राफ बना हुआ कैसे, ठीक है। तो चलिए बना करके देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, ग्राफ थोड़ा स्पेस ज्यादा लेगा। पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और यहां लिख लिया पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। एक हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो चलिए जरा इससे रिलेटेड एक ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। चलिए हम सभी की बुक्स में एक ऐसा करके ग्राफ दिया होता है, ठीक है। ये ग्राफ बनता है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए कुछ ऐसा बॉक्स, वैसे ग्राफ हम केवल दो ही लाइन बना कर करते हैं लेकिन यहाँ कुछ हमने एक छोटा सा बीकर जैसा कुछ बनाया है। वेपर प्रेशर यहां डालते हैं मोल फ्रैक्शन, भाई जाहिर सी बात है मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा इधर। ये ग्राफ थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, मतलब यहाँ वैल्यूज थोड़ी सी हम डिफरेंट तरह से लेंगे। एक्चुअल में हम वैल्यूज हमेशा एक की वैल्यू यहाँ ले ली, एक की वैल्यू यहाँ पर लगा दी, हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यूज थोड़ा सा अलग करके लेंगे। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए वन, तो खुद सोचो यहाँ पर कॉम्पोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, जीरो, पक्का, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए, वन। अब इसका तो वन मान लिया तो इसका क्या होगा, जीरो। इधर बढ़े, यहां पर एक्स ए का होगा जीरो और एक्स बी क्या हो गया, वन। एक्स बी क्या हो गया, वन, जाहिर सी बात है जब एक्स ए जीरो होगा तो एक्स बी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमने छोटी सी वैल्यूज ली। अब करना क्या है इस बात को देखते हैं। मैंने जो आपके सामने दो कंपोनेंट बनाए थे स्टार्टिंग में, प्योर कंपोनेंट जो बनाए थे, दो बीकर बनाए थे मैंने, एक में प्योर कंपोनेंट ए दिखाया था, एक में प्योर कंपोनेंट बी दिखाया था, तो वहां से मैं एक चीज अज्यूम कर रहा हूं, देखिए दैट पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट। हम मान के चल रहे हैं या ऐसा मान रहे हैं कि पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि जो प्योर कंपोनेंट में बी का वेपर प्रेशर ए से ज्यादा है, बी का वेपर प्रेशर ए से ज्यादा है, इसका मतलब बी इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू ए। जो कंपोनेंट बी है वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल है,
ठीक है, इसीलिए मैंने माना पी ए पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट बी इन प्योर स्टेट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए इन द प्योर स्टेट, मीन्स कॉम्पोनेंट बी इज मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू कॉम्पोनेंट ए। ठीक है, अब इन इक्वेशंस का हम यूज करेंगे धीरे धीरे, देखते जाइए कैसे। पी ए पी ए नॉट एक्स ए है ना भाई, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ना ही 0 से छोटी ना ही 1 से ज़्यादा। तो मोल फ्रैक्शन के बीच की वैल्यूज तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं मोल फ्रैक्शन की एक बार 1 वैल्यू डाल सकता हूँ, एक बार 0 तो डाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 0 करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 0 करता हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए क्या आएगा? 0। देखिए, अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन को 0 कर दूं, ए का मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, ए है ही नहीं, ए का मोल फ्रैक्शन 0 मतलब कॉम्पोनेंट ए है ही नहीं, तो कॉम्पोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा? 0। बड़ी सिंपल सी बात है, ए का मोल फ्रैक्शन 0, ए है ही नहीं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी ए का क्या होगा? 0। यार जब ए है ही नहीं तो प्रेशर कहाँ से लगाएगा? तो ये आ गया वो पॉइंट एक्स ए 0, एक्स ए 0, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी 0। एक्स ए 1, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, एक्स ए की वैल्यू क्या है? 1 है, मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कॉम्पोनेंट ए का, दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। अब एक बात चेक करो, एक्स ए की वैल्यू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। जब एक्स ए की वैल्यू 1 है, जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, अगर मैं इसकी एक लाइन बनाता हूँ लाइक दिस, तो एक्स ए पर जो वेपर प्रेशर है, एक्स ए की एक्स ए इक्वल टू 1 की लाइन पर जो वेपर प्रेशर है, दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। ये बन गया एक छोटा ग्राफ। जब एक्स ए को मैंने 0 करा तो इस पॉइंट पर मैं आया, जब मैंने एक्स ए को 1 रखा तो इस पॉइंट की बात करेंगे ना, एक्स ए इक्वल्स टू 1, इसकी बात मैं इस पॉइंट पे तो करूंगा नहीं, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू 1 तो यहां पर है, इस लाइन में एक्स यहां पर एक्स ए की वैल्यू क्या है? 1 है। और जब मैंने देखा यहां पर एक्स ए की वैल्यू 1 है, उस समय जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है जो ए का सॉल्यूशन के अंदर, पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर की लाइन ये है, तो यहां पर वेपर प्रेशर किसके बराबर है? चेक कीजिए, पी ए नॉट। तो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया यहां पर, ये पॉइंट। सिमिलरली एक और अगले क्वेश्चन देखते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। बहुत ध्यान से बनाने इस ग्राफ को, कोई बड़ी चीज नहीं है इस ग्राफ में। एक्स बी को मैं 0 कर रहा हूं, देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन इज 0। अरे जब बी है ही नहीं, मोल फ्रैक्शन में 0 कर दिया बी का, अब बी का मोल फ्रैक्शन 0 का है, यहां पर है, तो वेपर प्रेशर देखिए, वेपर प्रेशर भी क्या होगा? 0। एक्स बी 0 है, जरा एक्स बी को 1 डाल के देखिए, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, देन पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट। पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कॉम्पोनेंट बी इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी बी नॉट। ये पी बी 1 कहां पे है? इस लाइन पर, यहां पी बी 1 है, सॉरी एक्स बी यहां पर 1 है। इस समय वेपर प्रेशर, भैया ये वेपर प्रेशर की लाइन है तो ये भी तो वेपर प्रेशर की लाइन है। इस समय वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, मतलब वेपर प्रेशर इज समवेयर इक्वल्स टू पी बी नॉट। कब? व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 पर यहां लेके जाइए और एक पॉइंट पर कर दीजिए पी बी नॉट। ठीक है, क्या कर दिया हमने? पी बी नॉट। बड़ी सिंपल सी बात थी। तो ये लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए? ये दिस लाइन, ये जो मैंने लाइन बनाई, दैट इज फॉर पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, दो पॉइंट ले लिए, एंड दिस लाइन इज फॉर पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। ओके,
नाउ अब इस्तेमाल करते हैं थर्ड इक्वेशन का, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ये आ गया। इसमें मोल फ्रैक्शन का कौन सा टर्म है मेरे पास? दिस टर्म, ये एक्स बी। तो मोल फ्रैक्शन की फिलहाल मैं दो ही वैल्यूज रख रहा हूँ, पहले एक्स बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड देन एक्स बी इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जीरो और वन के बीच में लाई करता है, जीरो से छोटा नहीं होगा और एक्स वन से ऊपर नहीं जाएगा। तो एक बार जरा एक्स बी को वन रख, एक्स बी को जीरो रख के देखते हैं। एक्स बी जीरो, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस जीरो इंटू जो भी टर्म है। यार एक्स बी को जीरो करो, जीरो इंटू दिस पूरा ही जीरो, तो पी बी नॉट पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। जब एक्स बी जीरो था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट बी इज जीरो। अरे मोल फ्रैक्शन बी का जीरो है, बी है ही नहीं। अरे बी बी का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल जीरो है। तो टोटल वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? केवल ए की वजह से ही तो होगा, कुछ सोचो ना, पी ए नॉट। तो जब एक्स बी जीरो था, पी टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट, यही पॉइंट पे तो आ रहा है। जब मैं एक्स बी को वन रख रहा हूँ तो टोटल प्रेशर जरा चेक कीजिए, वन रखेंगे मैं हम एक्स बी को, ये पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट को कैंसिल करेगा, एट दैट टाइम पी टी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट। ये लीजिए, जब एक्स बी वन था तो ये आ गया, ये चीज दोनों पॉइंट मिल गए। अरे भैया यहाँ पर मुझे दो पॉइंट मिल रहे थे, मैंने लाइन जोड़ दी, यहाँ पर दो पॉइंट मिले, यहाँ भी लाइन जोड़ दो। ये अब ये लाइन कौन सी आ रही है? टोटल प्रेशर की, दैट इज पी ए प्लस पी बी। ये इस लाइन के ऊपर इतनी बड़ी इक्वेशन लिखोगे तो घचपच हो जाएगा। अरे ये इक्वेशन भी तो यहीं से निकल के आई थी, स्टार्टिंग में यही तो लिया था, तभी तो ये इक्वेशन बनी। तो चाहे तो ये लिख दो, चाहे इक्वेशन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अगर हमने यहाँ इक्वेशन का इस्तेमाल किया है तो यहाँ भी इक्वेशन लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पी टी पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। बात देखिए, तो ये है हमारे पास राउल्ट्स लॉ और इससे रिलेटेड एक छोटा सा ग्राफ। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। इस राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ बातें और आगे हैं हमारे पास, लेकिन पहले इसके न्यूमेरिकल करेंगे। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड हर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। हमारा मोटिव ये है कि पहले बोर्ड न्यूमेरिकल्स डाले जाएँ, उसके बाद IIT JEE कॉम्पिटिशन वगैरह के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, लेकिन पहले हमारे पास ये काम है कि हम बोर्ड न्यूमेरिकल्स डालें। तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तब तक इस राउल्ट्स लॉ को तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है इन फॉर्मुलेस पे न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड आएगा। थैंक यू।